बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक सेंसर से हम कैसे एक लोड को चलाएं। लोड हमारा हो सकता है एक मोटर या एक हो सकता है बल्ब जो 220 वोल्ट एसी पे काम करता है। तो उसके लिए हमें जरूरत है रिलेस की। अब रिलेस क्या करती है, हमारा सेंसर जो है वो लो वोल्टेज और लो करंट पे ऑपरेट करने वाला डिवाइस है, और जो हमारी मोटर या फिर कोई भी बड़ा लोड है वो एक हाई वोल्टेज या हाई करंट कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिले को की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि सेंसर पहले हमारी रिले को ऑन करेगा और रिले के साथ हमारा लोड कनेक्ट होएगा और फिर लोड हमारा ऑन होगा। सिंपल कंसेप्ट है कि सेंसर ने कुछ वोल्टेज दी हमारे रिले को और रिले के थ्रू हमारा ऑपरेट हुआ हमारा लोड, जो हमारी मोटर हो सकती है या पंप या कोई भी हमारा ऐसा डिवाइस जो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। मेजरली सेंसर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है NPN टाइप सेंसर, एक होता है PNP टाइप सेंसर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंसर में बेसिकली एक जनरल सेंसर में तीन वायर होती है। दो वायर होती है सप्लाई की सेंसर की, और जो तीसरी वायर होती है वो होती है सेंसर की आउटपुट। मैं बताऊंगा कनेक्शन के साथ साथ कि कौन सी वायर सप्लाई की है और कौन सी वायर आउटपुट की है। तो जो सप्लाई की रहती है वो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है। जो थर्ड होती है थर्ड वायर, वो हो सकती है एनपिन आउटपुट की या फिर एक पीएनपी आउटपुट की। इसको जनरल वे में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है एक एनपीएन और एक पीएनपी। अगर आप एक सेंसर लेते हैं जो एक टीएनपी टाइप सेंसर है, उसका मतलब ये है उसमें भी तीन वायर्स हैं। दो वायर है सप्लाई की और जो थर्ड वायर है उसका मतलब है कि जब मेरा टारगेट आएगा सेंसर हमें पॉजिटिव वोल्टेज देगा थर्ड वायर पे। इसका मतलब इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लो इनपुट पे 24 वोल्ट डीसी आपने सप्लाई दी सेंसर को, तो जो थर्ड वायर होगी उसकी जो आउटपुट वायर वहां पे पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी मिलेगा आपको। तो कनेक्शन देख लेते हैं पीएनपी टाइप सेंसर के। तो मेरे पास ये SMPS है या जिसको मैं पावर सप्लाई भी बोल सकता हूँ, ये 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। मेरे पास दोनों पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव के, हम देख सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम सेंसर और रिले और मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो एक सेंसर में तीन वायर्स होती है, एक ब्राउन जो पॉजिटिव सप्लाई में कनेक्ट होएगा और एक ब्लू जो नेगेटिव सप्लाई में कनेक्ट होएगा। आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट होएगा ब्राउन और ब्लू, ये सेंसर के हो गए हमारे सप्लाई पॉइंट्स, देख सकते हैं। तो मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ अपने सेंसर की, मैं सिर्फ अभी सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ 24 वोल्ट DC, देख सकते हैं। मैं ब्लू वायर को नेगेटिव वाले पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सेंसर मेरा एक फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर है जो मेरा PNP टाइप सेंसर है। तो जैसे ही मेरे सामने टारगेट लाता हूँ, मेरे को सेंसर की बैकलाइट इंडिकेशन में भी दिखता है कि मेरा सेंसर वर्क बिल्कुल सही कर रहा है। अब मैं रिले के कनेक्शन करूँगा, तो ये जो रिले है मेरे पास ये ओमरॉन की रिले है, मॉडल नंबर MY2NGS, जो 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट करती है रिले। जैसे कि हम रिले में देख सकते हैं रिले पे नंबरिंग होती है 13 और 14। जो 13 है पॉइंट वो रिले की नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करना है और जो 14 है वो रिले का पॉजिटिव है। तो PNP टाइप में हम इसको सेंसर से कनेक्ट करेंगे। हमें पता है PNP टाइप सेंसर पॉजिटिव वोल्टेज देगा, तो जो सेंसर की जो आउटपुट वायर ब्लैक वायर होती है उसको कनेक्ट करेंगे हम 14 वायर से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने कनेक्शन करने स्टार्ट कर दिए, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें जो कनेक्शन करने हैं 13 नंबर पिन है, 13 नंबर पिन रिले की नेगेटिव है और इसको मैं सप्लाई के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूँगा। मैंने एक सिंपल एक वायर ली और उसको थोड़ा सा फोल्ड किया, कनेक्शन ईजी हो जाए थोड़ी आसानी से, और 13 नंबर पिन पर एक एंड को लगाया, फिर दूसरे एंड को सप्लाई के मैंने नेगेटिव एंड पे लगा दिया। बहुत आसान कनेक्शन है, बारी बारी से कनेक्शन करने हैं। तो जैसे ही मैं सेंसर के सामने टारगेट लाता हूँ, रिले की मैं ऑफ वर्किंग देख सकता हूँ, आप देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ, जैसे मैं मूव करता हूँ रिले के कॉन्टैक्ट के मूवमेंट देख सकते हो और सेंसर की बैकलाइट इंडिकेशन में भी चेक कर सकते हो कि सेंसर वर्किंग है और मेरी रिले भी वर्किंग है। अब बात कर लेते हैं कि अब आपका जो सेंसर है वो एक NPN टाइप सेंसर है। NPN टाइप सेंसर में क्या होता है, उसमें भी तीन वायर्स होती है। दो वायर्स होगी हमारी सप्लाई की और जो तीसरी वायर होगी उसमें जो हमें आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा।
तो इसी के अकॉर्डिंगली हम अब कनेक्शन करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जिसको अगर कोई भी नॉलेज नहीं है कनेक्शंस के बारे में वो आसानी से इसके कनेक्शन कर सके। तो अब हम NPN सेंसर के कनेक्शन देख लेते हैं। उसमें भी तीन वायर है, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। ब्राउन पे हम सेंसर की सप्लाई देंगे पॉजिटिव, ब्लू पे सेंसर की सप्लाई देंगे नेगेटिव। ये हमारी SMPS है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई मिलेगी सेंसर को 24 वोल्ट DC। तो अब मैं रिले के कनेक्शन बता देता हूँ कि रिले के अकॉर्डिंगली कैसे कनेक्शन होंगे। अब क्या करना है हमें, 13-14 जो रिले के पिन्स हैं आप देख सकते हैं 13 और 14 रिले के ऊपर लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे तो, और इस पर हमें अब कनेक्शन करना है सेंसर के। 13 है हमारे रिले का हमारा नेगेटिव पॉइंट और 14 है हमारा रिले का पॉजिटिव पॉइंट सप्लाई का। तो इसको NPN टाइप सेंसर को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 13 नंबर जो पिन है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे सेंसर के आउटपुट के साथ। पहले हम कनेक्ट कर रहे हैं सेंसर की सप्लाई ब्राउन वायर और ब्लू वायर 24 वोल्ट DC के साथ, और जो ब्लैक वायर है ये है हमारा NPN टाइप सेंसर, पहले वर्क कर रहा है बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो ब्लैक वायर है वो हम कनेक्ट करेंगे 13 नंबर पिन के साथ जो रिले के हमारी नेगेटिव सप्लाई पॉइंट्स हुई NPN टाइप सेंसर के लिए। तो मैंने कनेक्ट अभी कर दिया है। अब मेरे को 14 नंबर पिन को डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा जो मेरी पॉजिटिव वोल्ट DC होगी। मैंने एक ब्लैक वायर ली, उसको 14 नंबर पिन से उसको मैंने पावर सप्लाई की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हो गया मेरा पूरा कंप्लीट कनेक्शन रिले और सेंसर के, एक NPN टाइप सेंसर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब मैं टारगेट लेकर आता हूँ, आप रिले की वर्किंग देख सकते हो कि हमारी रिले वर्क कर रही है, और सेंसर की बैकलाइट पे भी कंफर्म कर सकते हो कि आपका सेंसर वर्किंग है और आपकी रिले भी वर्किंग है। थोड़ा से बड़े पैराटेस में दिखाता हूँ कि जैसे टारगेट आता है इसके सामने हमारी रिले वर्क कर रही है। सिमिलरली आप देख सकते हैं रिले के कॉन्टैक्ट के थ्रू जितनी देर तक हाथ रहेगा उतनी देर तक हमारी मोटर चलेगी इसी के थ्रू। अब मैं आपको मोटर के कनेक्शन बताऊँगा। ये मोटर 24 वोल्ट DC की है, इसमें ब्लैक वायर इसके नेगेटिव सप्लाई और रेड वायर है इसकी पॉजिटिव सप्लाई। मैंने रेड वायर को कनेक्ट किया हुआ है मैंने 5 नंबर के साथ जो NO पॉइंट है, और जो ब्लैक वायर है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मैंने सप्लाई के साथ जो मेरी नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और जो वाइट वायर है वो मैंने कनेक्ट किया है मैंने 9 नंबर के साथ जो कनेक्टेड है पॉजिटिव सप्लाई SMPS के साथ। अब होगा क्या, जब सेंसर के सामने टारगेट आएगा तो टारगेट सेंसर को ऑन करेगा और सेंसर के थ्रू मेरी रिले ऑन होएगी, और रिले मेरी ऑन जैसी होएगी मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसी मेरी रिले ऑन होती है, आप ध्यान से देखें मेरी मोटर भी चलने लग जाती है। आप देख पा रहे हैं पूरी वर्किंग आपके सामने पूरी तरह से क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारे कनेक्शन बता पाऊँ, और मैंने इन दोनों कनेक्शंस का NPN टाइप सेंसर और PNP टाइप सेंसर का सर्किट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि कैसे आप कनेक्ट करोगे एक सेंसर, एक रिले और एक मोटर, या फिर कोई भी मोटर की जगह आपका कोई भी लोड हो सकता है, उनका डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करिए और वो आपको बहुत ईजिली मिल जाए। मैंने अपना नंबर फिर भी आपको दिया हुआ है, कोई भी टेक्निकल क्वेरी में आपको चाहिए हो उस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, कोई भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे रिगार्डिंग कोई भी कंपोनेंट से रिलेटेड हो मेरे को मैसेज डालिए अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और आपका बस एक छोटा सा काम यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जिनको कोई नॉलेज नहीं है इस ऑटोमेशन फील्ड के बारे में उनको सिखा सकूँ प्रैक्टिकली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।